नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जी के नाइस में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत के कुछ भविकल्पी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने संविधान के एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें भविकल्पी क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें हम मुगल काल से संबंधित मोस्ट रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शामिल हो जाइए मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल जी के नाइस में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए, भारत में जो मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 में हुई थी, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई थी, और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोधी वंश का एक शासक था इब्राहिम लोधी, जिसको हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा लोधी वंश हो जाएगा, क्योंकि इसने लोधी वंश के शासक को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, जो लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगम नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो बाबर ने जो पहला तुगलुगम नीति का प्रयोग किया था वो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुँह अमीरों के लिए और अपने सगे संबंधियों के लिए खोल दिया था, और इसकी उदारता के लिए उसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 1526 के जीत के बाद उसने खजाने का मुंह अमीरों के लिए और अपने सगे संबंधियों के लिए खोल दिया था, जिसके लिए उसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट SSC 2000, RRB 2005 और JPSC 2010 में क्वेश्चन आया था, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो शेरशाह सूरी, यानी कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSC 2000-2002 में क्वेश्चन आया है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। तो जब अकबर ने गुजरात विजय हासिल की थी तो उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSC 2002 में क्वेश्चन आया है, आईने अकबरी का एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। आईने अकबरी एक ऐतिहासिक कृति है, तो इसके लेखक के बारे में पूछा गया है, तो आईने अकबरी जो अबुल फजल ने लिखी है, ठीक है, अबुल फजल जो था ये अकबर के शासनकाल में अकबर के राज्य में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSC 2002 में क्वेश्चन आया है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में किसके बीच हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, और जिसमें अकबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट SSC 2002 में क्वेश्चन आया है, दीन इलाही, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दीन इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, जो दीन इलाही धर्म था ये मोमडनों से रिलेटेड था, और इसका जो शुरुआत की थी वो अकबर ने की थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट SSC 2000 और RRB ASM 2004 में क्वेश्चन आया है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। यानी कि पूछा गया कि चांद बीबी किस राज्य में अपना शासन करती थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अहमदनगर, यानी कि अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी, जिसने अकबर को बरार सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, SSC 2001 और RRB TC 2005 में क्वेश्चन आया है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। तो मनसबदारी जो प्रणाली थी वो अकबर ने स्टार्ट की थी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, SSC 2001 में क्वेश्चन आया है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था। जो तानसेन था ये अकबर के दरबार में रहता था, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
13 है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2001, एसएससी 2002, यूपीपीसीएस 2012 में क्वेश्चन आए हैं। तो जो मुगल काल की राजभाषा थी वो फारसी थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एसएससी 2001 में क्वेश्चन आए हैं, सती प्रथा का भर्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था, यानी कि सती प्रथा का जो बंद करने का जो निर्णय लिया था वो किसने लिया था, तो वो अकबर ने लिया था, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी 2001 में क्वेश्चन आया है, किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? देखिए भारत में पहला युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी के बीच में, और इसी युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, इसी के उपरांत मुगल साम्राज्य की नींव डली थी, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो के लिए मेरे नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए।